हे दोस्तों, टोफा हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है शाहिद और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में जो टाइम लूप के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ये समय है अनंत चक्र में घूमता। क्या होता है जब एक इंसान एक टाइम में फंस जाता है और वही टाइम उसकी जिंदगी में बार बार रिपीट होता है। हॉलीवुड में टाइम लूप के कॉन्सेप्ट पर बहुत सी फिल्में देखने को मिली हैं, पर दिक्कत यह है कि इनमें से कुछ गिनी चुनी फिल्में ही हिंदी में अवेलेबल हैं। इसीलिए हम उन्हीं फिल्मों के बारे में बात करेंगे जिन्हें आप हिंदी में भी देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं टाइम लूप के कॉन्सेप्ट पर बनी हॉलीवुड की 5 बेहतरीन फिल्मों के बारे में। नंबर 5, डेजाओ। डेजाओ एक टाइम ट्रैवल फिल्म है, लेकिन इसलिए में भी टाइम लूप के कॉन्सेप्ट को दिखाया गया है। जब डक पास्ट में जाता है और वहां पर क्लेयर को बचाता है और ये दोनों क्लेयर के घर पर जाते हैं, वहां पर पता चलता है कि डक क्लेयर के घर पर इससे पहले भी आ चुका है। फिल्म के एंड में डग और क्लेयर फेरी पर ब्लास्ट होने से रोकते हैं और क्लेयर बच जाती है। अगर क्लेयर मर जाती और फेरी पर ब्लास्ट हो जाता तो ये टाइम लूप दोबारा से स्टार्ट हो जाता। 2006 में आई ये फिल्म काफी अच्छी फिल्म है, जिसे IMDb पर 7.1 की रेटिंग मिली है। नंबर 4, डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज के पहले पार्ट में भी टाइम लूप के कॉन्सेप्ट को दिखाया गया है। फिल्म के एंड में जब डोरमामो और डॉक्टर स्ट्रेंज का सामना होता है तो डॉक्टर स्ट्रेंज डोरमामो को टाइम लूप में फंसा देता है। जब भी डोरमामो डॉक्टर स्ट्रेंज को मारता है, टाइम दोबारा से रिपीट हो जाता है। पूरी फिल्म अलग है, लेकिन फिल्म के एंड में टाइम लूप के कॉन्सेप्ट को दिखाया गया है। आखिरकार डोरमामो हार मान लेता है और डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम लूप को तोड़ देता है। अब इस फिल्म के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। MCU की ये फिल्म एक बेहतरीन फिल्म है, जिसे आप सबको जरूर देखनी चाहिए। इस फिल्म को IMDb पर 7.5 की रेटिंग मिली है। अब सब कुछ ऐसा ही चले, तुम और मैं इस पल में कैद हो गए हमेशा के। नंबर 3, हैप्पी डेथ डे। हैप्पी डेथ डे की कहानी ट्री के इर्द गिर्द बुनी गई है। ट्री सुबह उठती है, अपने हॉस्टल में जाती है, अपनी बहन और दोस्तों से मिलती है, लेकिन उसी रात जब वो कहीं पर जा रही होती है, एक मास्क वाला इंसान उस पर हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है। फिर से सब कुछ उसी तरह से स्टार्ट होता है जैसे पहले दिन की शुरुआत हुई थी। बार बार वही रात आती है और वही मास्क वाला इंसान उसे मार देता है। अब ट्री पता लगाने की कोशिश करती है कि कौन है वो जो उसे मारना चाहता है। कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, जिसमें थोड़ी बहुत कॉमेडी भी देखने को मिलती है। अगर आप हैप्पी डेथ डे देख रहे हैं तो आपको इसका दूसरा पार्ट भी जरूर देखना चाहिए। दोनों फिल्में काफी अच्छी हैं, जिसके पहले पार्ट को IMDb पर 6.6 की रेटिंग मिली है। नंबर 2, सोरस कोड। कैप्टन कॉल्टन स्टीवंस को एक टाइम लूप में बार बार भेजा जाता है, जहां वो एक ट्रेन में है और उस ट्रेन में ब्लास्ट होने वाला है। कैप्टन कॉल्टन स्टीवंस को उस इंसान को ढूंढना है जो इस ट्रेन में ब्लास्ट करने वाला है, क्योंकि इसके बाद वो शिकागो शहर पर अटैक करने वाला है। तो कैसे कैप्टन कॉल्टन स्टीवंस उस इंसान को ढूंढते हैं और दोनों जगह अटैक होने से रोकते हैं, इसी के इर्द गिर्द फिल्म की कहानी बुनी गई है। ये थोड़ी अलग कहानी है, क्योंकि यहाँ पर कैप्टन कॉल्टन स्टीवंस पर एक टाइम लूप का एक्सपेरिमेंट किया जाता है। फिल्म काफी अच्छी है, जिसमें जैक गिलेनहाल ने काफी अच्छी एक्टिंग की है। 2011 में रिलीज हुई ये फिल्म सुपरहिट थी, जिसे IMDb पर 7.5 की रेटिंग मिली है। नंबर 1, एज ऑफ टुमारो। टॉम क्रूज की इस फिल्म के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। इस फिल्म की कहानी मेजर केज के इर्द गिर्द बुनी गई है। एलियन ने धरती पर हमला कर दिया है और अब सभी देशों के आर्मी उन एलियन से लड़ रहे हैं। मेजर केज को इस जंग में भेजा जाता है, जहां उनका सामना एक खतरनाक एलियन से होता है। ये एलियन बाकी एलियन से काफी अलग होता है। जब वो एलियन केज पर हमला करने वाला होता है, तभी केज एक ग्रेनेड को ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो एलियन के साथ साथ केज भी मर जाता है। लेकिन फिर से टाइम वहीं से स्टार्ट होता है, जहां केज को वो आर्मी ऑफिसर लात मार के उठाता है। यही टाइम बार बार केज की जिंदगी में रिपीट होता है। कहानी ये है कि कैसे केज कुछ लोगों के साथ इन एलियंस के मैन ठिकाने का पता लगाता है और उन्हें खत्म करता है। फिल्म काफी अच्छी है, जिसकी आप जितनी तारीफ करें कम है। IMDb पर इस फिल्म को 7.9 की रेटिंग मिली है।
तो दोस्तों ये थी कुछ बेहतरीन फिल्में जो टाइम लूप के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं। इन फिल्मों में से आपको कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा अच्छी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।